गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हूँ मैं चंडीगढ़ में। लास्ट वीडियो एंड की थी मैंने कल शाम को, तो अभी टाइम बज चुके हैं 12:30, 1:15 हो चुके हैं अभी। तो अभी निकला हूँ मैं चंडीगढ़ की तरफ और चंडीगढ़ के जो फेमस स्पॉट है आपको दिखाऊँगा। अभी मज़ा आ रहा है। अभी मैंने आज स्कूटी पे मोटो ब्लॉग होने वाला है मेरा। मैंने सोचा गाड़ी पे इतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला था आपको कि मोटो ब्लॉग करूँगा। दैट्स वाई मैंने स्कूटी, कुछ मेरे को सामान भी कैरी करना था इसलिए मैंने स्कूटी आज ली। बाकी बहुत ही प्यारा नज़ारा इसरो में पड़ता है अपने ट्रिब्यून चौक के साथ। LTS है, टर्कवाइज है, पहले क्लब हुआ करता था जब कॉलेज टाइम की बात है, 2009 से और 2012 के बीच की बात है। चंडीगढ़ का गेड़ी रूट, अब इस लाइन में हम 20, 21, 20 सेक्टर की लाइन में। और ये सामने देख सकते हो आप राइट हैंड साइड में मार्केट के साथ आपको पार्किंग वगैरह पूरा ढंग से मिल जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लेखा भवन 3 किलोमीटर, और यहाँ से लेंगे हम राइट। अगर आप इतने कंफ्यूज होते हो, जो ये साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, वहाँ से भी पता लग जाता है कि आपने किस तरफ जाना है अगर आप कंफ्यूज हो। आजकल तो मैप वगैरह है, बट जब मैप वगैरह का इतना यूजेस नहीं होता था तब ज़्यादा था। ये सामने आप अगर आपको दिखेगा तो JW मैरियट जो होटल है वो है, वो लाइन जाएगी हमारी 17 सेक्टर की तरफ। ये आ गई हमारी लाइट है अरोमा की, यहाँ से हम स्लिप रोड ले लेंगे। और ये जो अगर आप सीधे जाओगे तो आप 17 पहुँचोगे, हम बीच में से होते हुए जाएंगे। अभी रेड है सिग्नल और मुझे समझ नहीं आ रही कि गाड़ी रेड पे, यहाँ से तो स्लिप रोड है, निकल भी सकते हैं, बट मे बी कुछ रोड्स में ऐसा होता है कि ग्रीन लाइट, अगर आपने यहाँ से भी जाना है तो तब भी रुकना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलान के लिए हाजिर हो। चलो जी हम पहुँच गए अभी 22 सेक्टर, जो फेमस शास्त्री मार्केट, जहाँ पे कॉलेज टाइम में कपड़े वगैरह लेते थे। या आ गई अपनी 22 की मार्केट लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे बड़े फेमस वहाँ पे मोमोज वगैरह शाम के टाइम बनते हैं। अब ये गोल चौक काट के आगे आपका शास्त्री मार्केट आ जाएगा, और शास्त्री मार्केट फेमस है हमारे डेली नीड जो आइटम्स होती है उसके लिए फेमस है। अगर आपने ज़्यादा खर्चा ना करते हुए एक रीज़नेबल प्राइस से कोई चीज़ लेनी है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट वगैरह यहाँ से परचेज़ करते हैं। जैसे दिल्ली की मार्केट होगी आपकी पालिका बाज़ार, वैसे ही ये शास्त्री मार्केट है। और इसके राइट हैंड साइड में अपना पार्क लॉजी, यहाँ से लेफ्ट से आप एंटर हो जाओगे। अब तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया है रूल एंड रेगुलेशन को देख के, नहीं तो ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं बीच में स्ट्रिप, ये पहले नहीं थी, तो ट्रैफिक वगैरह होने का यहाँ पे चांसेस होते थे। पार्किंग के लिए भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। अब मैं यहाँ रुकूँगा नहीं, अब ये गेड़ी मारूँगा आगे की तरफ, फिर वापसी कुछ पियेंगे। बहुत गर्मी होगी, दैट्स वाई यहाँ पे रुका। अभी सोडा पी लूँ, लाइम सोडा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है धूप में। ये अपनी 22 मार्केट की, 22 डी मार्केट की बैक साइड। अभी सोडा पिया तो बड़ी एनर्जी आ गई, ये पीना पड़ेगा तभी थोड़ा राइड वगैरह कर पाऊँगा। 30 रुपये लगे मात्र सोडे के। अभी चलेंगे आगे की तरफ। अभी यहाँ पे तो 22 मार्केट जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब दिखाऊंगा आपको शास्त्री मार्केट, यहाँ से आप अंदर की तरफ जा सकते हो। वो अपना राइट हैंड साइड में बहुत ही फेमस जूस बार आप देख सकते हो, अरोड़ा सन के सामने लिखा हुआ है ये, वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी है। यहाँ से हम एंटर हुए थे अंदर की तरफ, और ये अपना राइट हैंड साइड में अपनी शास्त्री मार्केट, और लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही फेमस पार्क हमारा नेहरू पार्क, जहाँ पे शाम के टाइम गेड़ी गुड़ी मारने आते थे। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको,
वही वहाँ पे फाउंटेन वगैरह चलते हैं, शाम के टाइम चलते हैं। अभी ये है अपना नेहरू पार्क, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी पूरा मैनेजमेंट किया हुआ है, पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। जब आई थिंक आज से 10 साल पहले तो यहाँ पे अलग ही तरीके का व्यू था। सो गाइस, मेरा GoPro चुका था ओवर हीट टेम्परेचर की वजह से। सामने देख सकते हो आप, यह है नेहरू पार्क। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी स्कूटी मैंने पार्क की वहाँ पे, थोड़ी थोड़ी अच्छी हवा चली है, दैट्स व्हाई मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। बहुत ही फेमस स्पॉट यहाँ का शास्त्री मार्केट के सामने जो नज़ारा है। अभी 5-6 बजे के बाद, 7 बजे जब इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे लोग आते हैं बैठने पार्क में, हम भी आते थे वहाँ पे। फाउंटेन चलता है आगे की तरफ, बाकी अभी भी लोग बैठे हुए हैं, हवा का आनंद ले रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं दिन के टाइम पे भी। नज़ारा बहुत ही प्यारा है। थोड़ी हवा चल रही है पार्क में, इसलिए यहाँ पे रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही सुंदर बन चुका है, पहले भी सुंदर था, अब और ज़्यादा सुंदर बन चुका है नेहरू पार्क। अभी हूँ मैं 22 सेक्टर में शास्त्री मार्केट के सामने। अभी आगे की तरफ और जाऊँगा, आपको और भी जगह दिखाऊँगा। अभी एक छोटा सा टूर है अपना रह रहा है, जैसे मैंने व्लॉगिंग में आपको बताया, हमें चंडीगढ़ की सड़कों से, पार्क से और जितनी भी चीज़ें हैं चंडीगढ़ से, उनसे लगा हुआ है। दैट्स वाई मैंने आपको व्लॉग में दिखाना चाहता था, इसलिए दिखाया, ड्यूटी दिखा रहा हूँ यहाँ की। सो गाइस, ये है शास्त्री मार्केट की पार्किंग। अभी पार्क से आया तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, एंट्री यहाँ से भी है, यहाँ से अंदर जा सकते हो आप। बहुत गर्मी है रे बाबा। अब जाएंगे बीच में से सेक्टर्स में होके। सबसे पहले जाऊंगा मैं अपने पुराना पीजी जहां पे था, उस तरफ चलते हैं। अभी शास्त्री मार्केट में छोटी मोटा मेरे को डेली जो यूज़ होती है आइटम्स, वो उसका सामान लेना था जो कहीं नहीं मिलता, दैट्स वाई यहाँ से मैंने छोटा मोटा परचेज़ किया। ये अपना शास्त्री मार्केट के राइट हैंड साइड की तरफ से अंदर की तरफ रोड जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग तरीके से, जैसे एसी कूलिंग के लिए जो वो लगता है, घास लगती है जिसमें लकड़ी होती है, ये वो चीज़ है। अब यहाँ से लेंगे हम राइट, ये आगे हम 20 सेक्टर्स में, 22C की सेक्टर्स है ये। यहाँ पे भी काफ़ी साल बिताए हुए हैं, और वो रहा अपना आई थिंक 9 से 10 साल पुराना रूम टॉप वाला। काट लो काट लो। निकल जाएगी कितने? 10 ले लो। 7 पर्ची दो। ये मार्केट है अपनी, मोबाइल मार्केट। यहाँ से आप देखोगे राइट हैंड साइड में मेरे है मोबाइल मार्केट, और लेफ्ट में आपका 17 बस स्टैंड। तो जो भी एसेसरीज़ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मोबाइल की बैटरीज वगैरह, GoPro की, इवन मेरे को GoPro की बैटरीज चाहिए थी, कहीं पे मैं नहीं मिली, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही, तो इस मार्केट में मिली थी। 22 की मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है। और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप देख रहे होंगे बस अड्डा, 17 का ISBT। और यहाँ से वापसी करूँगा मैं अगली तरफ से, फिर जाएँगे हम 17 की तरफ। तो ये मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर आपको जो भी आइटम्स रिलेटेड फ़ोन के हैं या कंप्यूटर वगैरह के आइटम से रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगी। हम निकलते हैं बाहर। अब लेके चलेंगे आपको कहाँ पे? अब लेके चलेंगे आपको 17।
और सामने जाएगा आपका यूनिवर्सिटी को, और यहाँ से अगर राइट लेंगे तो 10 सेक्टर में निकलेंगे हम। यू टर्न लेके पहले 17 से होके जाऊँगा मैं मध्य मार्ग, वो आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे भी लिखा है एंट्री टू सेक्टर 17 में दिन में कुछ खास चीज़ नहीं होगी देखने को, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो मैं बाहर से ही आपको व्यू दिखाऊँगा। ये आपकी रो चलेगी 17। यहाँ पे एंटर हो जाते हैं यहाँ से 17 की तरफ। चलो आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाई देता हूँ 17 का। ये अपना जैसे कि मैंने अंदर दिखाया आपको 17 सेक्टर, अब यहाँ से अंदर लेके अब जाएंगे हम 19 और 18 वाली रो में। सामने देख सकते हो आप बहुत ही पुराना चर्च CNI, और ये आगे जो मार्केट आएगी वो आएगी आपकी जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो कहते हैं, और यहाँ पे आपको हार्डवेयर के शॉप्स भी काफ़ी मिलेगी, ग्लास ट्रेडर्स है, जैगवार वगैरह जो भी टैप्स वगैरह होते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो काफ़ी शोरूम्स हैं इनके यहाँ पे, और साथ साथ लगते हुए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पे बहुत फेमस एक चाट भंडार होती थी, शायद वो भी है या नहीं है उसका मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि सम टाइम हम यहाँ पर आते थे। ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो, 18D की है और काफ़ी अच्छा सामान मिलता है यहाँ पर। राइट हैंड साइड में हमारा टैगोर थिएटर, और जी लाइटें हो चुकी है ऑन, तो हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 18B और हमारी राइट में मार्केट, मार्केट में चला हुआ है अभी काम, तो पार्किंग वगैरह बन रही होगी। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ की पार्किंग की, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे सब्वे भी है राइट हैंड साइड में, पर टोटली बंद किया है इन्होंने पार्किंग को इस जगह से, पार्किंग वगैरह भी नहीं होगी रही होगी यहाँ पे। ये है अपनी 19D की मार्केट, और गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में। तो आपको जर्नी दिखाई यहाँ पे टोटल, आज जो भी फेमस स्पॉटेज जिनके बारे में जानता था और भी है, बट आज कवर नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से धर्मवीर सिंह के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।